के लिए आप एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन दोगे, पब्लिक नोटिफिकेशन दोगे कि हम यहाँ पे सर्वे करवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एडवांस में काम करता हूँ, तो उन्होंने बोला अब ये क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा यार आप तो ऑफिसर आदमी हो, आप कुछ भी करो। मैं ग्लाइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ 1996 से मैंने शुरू किया है। उत्तर भारत का सबसे पुराना फ्लाइंग स्कूल मैंने ही शुरू किया था, क्योंकि दुर्भाग्य से पौड़ी में ही वो स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये चिराग तले अंधेरा वाला केस ही है। यहाँ पे कोर्ट में मैं पिछले 10 साल से फ्लाइंग कराता रहा हूँ। यहाँ की फ्लाइंग मैंने बहुत पहले शुरुआत की थी। उसके बाद मैं पर्यटन विभाग को लगभग हर साल मैं उनको बोलता रहा। मैंने कहा यहाँ पर इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, पौड़ी में और कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जो कि इतनी हाई प्रोफाइल एक्टिविटी हो। लेकिन वो कभी कभार साल दो साल तीन साल में कोई छोटा मोटा, बड़ी मुश्किल के बाद हम बजट लेकर के आते थे जिसमें कि लोकल्स को हम ट्रेन करते थे। मैंने 1000 के ऊपर लोकल्स यहाँ पे ट्रेन किए हैं 96 से, लेकिन ये क्योंकि लगातार नहीं करवाते रहे हैं, इस वजह से जो बच्चे कोर्स करते थे वो किसी उनका कोई काम नहीं आई ये सारी की सारी चीज़ें। तो हम लोग क्योंकि यात्रा रूट पे नहीं हैं, तो हमारे पास रोज़गार के इस तरीके के पर्यटन से रिलेटेड ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है। फ्लाइंग अगर जो हमारी एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो सकती है तो इससे बहुत अपार संभावनाएं हो सकती है। लेकिन उनको ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस आदमी ने उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग शुरू की है, कम से कम उसको ये गतिविधि आप जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे बताया है कि प्रमुख जी हमने अभी यहाँ पे सर्वे कठोर में भी किया है, कोर्ट में भी कर रहे हैं, और प्रॉपर पिछले 8-10 साल हमने मनीष जोशी जो कि यहाँ पे एक्सपर्ट भी हैं और पैराग्लाइडिंग का काम भी इन्होंने किया है। तब हमने इसी रॉक से जिसपे नेक जी कह रहे हैं कि ये ढालनुमा खेत है और हमें चाहिए, तो मेरा निश्चित प्रयास होगा अपनी इस जनता से जो कि ये ब्लॉक के पास में हंसवाड़ी की गाँव की है, और मेरा भरसक प्रयास हो गया। पहले मैंने प्रयास किया था, लोगों ने कहा कि हम इस ज़मीन को दे देंगे। वास्तविकता से अगर ये बिल्कुल सूझबूझ से अगर ये काम हो तो निश्चित जो ये हमारी घाटी है बड़ी सुंदर रमणीक और सीता माता की घाटी है, वाल्मीकि मंदिर है, स्पोर्ट्स जैसे आपने कहा कि मैं 1992 से यहाँ पर लगातार स्पोर्ट्स करते आ रहा हूँ, और आज की डेट में हम अपने निजी संसाधनों से इसको राज्य स्तर पर ले जा चुके हैं। तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता जो बड़ी एक्टिव है, जुझारू है, और लगातार ऐसे प्रयासों के लिए, ऐसे रोजगार संसाधनों के लिए हमेशा अपना सहयोग देती रहती है। अभी कोर्ट ब्लॉक में आए हुए हैं और यहाँ पर शायद इन्होंने फ्लाइट ली, तो जो फ्लाइट ली वो एक्सपोर्ट ने ली है, लेकिन हमें नए बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए हमें फ्लैट और ग्रेजुअल स्लोप चाहिए। और इससे पहले हम कठूड़ गाँव एक है पास में, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी संभावनाएं तलाशी है। ट्रैकिंग का है और साइकिलिंग का है, इसके लिए मेरे पास अभी एक चिट्ठी आई कि जो विभाग ADV विंग से हमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो और उसको जो प्रोवाइड हो जाएगा तो जो कमेटी है उसकी बैठक करा ली जाएगी जिलाधिकारी के अध्यक्षता में, और जो कमेटी उसमें निर्णय लेगी उसका किस तरीके से रखरखाव होगा, किस तरीके संचालन करेंगे, क्या कैसे हम लोगों को जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम आगे बैठक के बाद जो निर्णय होगा उस पर कार्रवाई करेंगे।